और रही बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ग्रेफाइट को हम लोग बोलते हैं क्या, इंसुलेटर, जबकि इट इज अ कंडक्टर, ठीक है ना। क्यों होता है कंडक्टर, ये ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ, तीन से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, खाली है, और चौथा खाली है मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ग्रेफाइट कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। और रही बात काइनेटिक और थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, तो जब आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे भैया, है ना, तब आपको जो भी कार्बन आप रिएक्शन में यूज़ करोगे वो कार्बन हमेशा कौन सा कार्बन होता है, डायमंड होगा कि ग्रेफाइट होगा। मान लो मुझे CO2 का फॉर्मेशन करवाना है तो डायमंड से कराऊंगा कि कार्बन से कराऊंगा, कार्बन से। अगर आपके पास इतना डायमंड हो कि उसको जलाकर CO2 चाहिए, तो भाई मैं खूब गरीब हूँ, मेरे को डायमंड दे देना और CO2 मेरे से ले जाना। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब जो नेचर में एबंडेंट फॉर्म हो, जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन IUPAC ने कितना माना है, जीरो। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट का जीरो होता है, डायमंड का नहीं, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स है भैया, स्ट्रक्चर्स में नहीं बना रहा हूँ, बट जो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो इतने डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स आज हम खत्म कर ले रहे हैं। और फुलरीन की बात करें तो फुलरीन भैया ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। क्यों होता है प्योरेस्ट फॉर्म, वो मैंने आपको समझा दिया, है ना। फुलरीन आपका CN टाइप का होता है, जहाँ पर N 20 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, 350। बट हमारे काम का जो इम्पोर्टेंट है वो है C60, जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसी को आप बक क्या, बक मिस्टर फुलरीन, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी तरह होती है, आपकी सॉकर बॉल। फुलरीन में आपका पेंटागोनल रिंग्स भी होती हैं और हेक्सागोनल रिंग्स भी होती है। तो इसमें पेंटागोनल रिंग्स भी हैं, हेक्सागोनल रिंग्स भी हैं। पेंटागोनल रिंग्स फिक्स होती हैं, जेई मेंस 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। तो एन की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, पेंटागोनल रिंग्स फिक्स है, कितनी, 12। और हेक्सागोनल रिंग्स फिक्स नहीं होती है, ये N/2 -10। तो अगर आपसे C60 की बात करी जाए स्पेसिफिकली, तो C60 में हेक्सागोनल रिंग्स कितनी होंगी आपका, 30/2 -10, मतलब क्या कर रहा हूँ, सॉरी, 60/2 -10, मतलब 20, ठीक है ना। तो ये आपका जेई मेंस 2021 में आ चुका क्वेश्चन है कि C60 में कितनी हेक्सागोनल रिंग्स हैं और कितनी पेंटागोनल रिंग्स हैं। तो वो आपका 12 और कितना हो गया, 20। अब मान लो कभी वो C100 में पूछ ले, तो हेक्सागोनल रिंग्स, तो पेंटागोनल रिंग्स हमेशा 12 ही रहेंगे, है ना, ठीक है जी। रही बात भैया हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना है आपका, 4/3। ये प्योरेस्ट फॉर्म है। और अगली और लास्ट इन्फॉर्मेशन, पेंटागोनल रिंग्स शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आर सराउंडेड ओनली बाय किससे, हेक्सागोनल रिंग। पेंटागोनल रिंग्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय हेक्सागोनल, बट हेक्सागोनल रिंग्स का मतलब कितनी फेस, कितने कौन एजेस हो गए उसकी, 6। तो वो अल्टरनेट सराउंडेड होता है किससे, अल्टरनेट सराउंडेड होता है पेंटागोनल रिंग एज वेल एज किससे, आपका हेक्सागोनल। सर डायमंड वाला जोक अब पुराना हो गया है आपका, आप हर साल ये जोक मारते हो, ठीक है होने दो ना बेटा पुराना, मैं ही पुराना हो रहा हूँ तो पढ़ाना थोड़ा छोड़ दूंगा, पढ़ाऊंगा मैं तो यार, जब तक है जहाँ तब तक पढ़ाऊंगा मैं। चलो जी, दो शीट दो जल्दी से, आज खत्म कर लें डिस्कशन, और फिर लाया ही नहीं होगा मेरे को पता है, लाए हैं सर, लाए। तुमने कंप्लीट करे सब TBR, तो ये क्यों लिखाता हूँ TBR, जब कंप्लीट ही नहीं है तो पढ़ते क्या होंगे हम लोग, हैं? ऐसे ऐसे महान हो ना बेटा आप लोग, कुछ नहीं बोला जा सकता आपको, बोल दो तो फिर मिर्ची लगती है सबको। ये लिखाने का पर्पस था कि इन्हें बार बार पढ़ा जाए, हम तो लिख ही नहीं रहे, कंप्लीट ही नहीं कर रहे। चलो जी, जिनका बाकी है फ़ोटो खींच के, तो ये इसलिए मैंने ना एक एक पेज में ही कोशिश करता हूँ, एक पेज में ख़त्म हो, तो ये ऑलरेडी फिर टाइम तो लग जाता है 10-12 मिनट एक एक TBR में। बट ये TBR का फ़ायदा ये है भैया, आप पढ़ नहीं रहे वो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, बट मेरे लिए फ़ायदा ये है कि जब ये ब्लॉक केमिस्ट्री में आएगा तो मैं दोबारा कुछ लिखाऊंगा नहीं, केवल एक बार धड़ते पढ़ दूंगा 2 मिनट में, स्लाइड के फॉर्म में आपको दूंगा, ठीक है जी। चलिए, चलो जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातें करी थी किसकी, बाई डेंटेंट लिगेंड की, और उसमें अभी मैंने आपको केवल 3-4 नाम बताए थे, ठीक है।
अब आगे के नाम लिखो, ऑक्सीलेटो हो गया, इथैलिन डाइअमीन हो गया, इनको बनाने का तरीका बता दिया था, एक प्रोपाइलिन डाइअमीन है और वो आपका ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन है ना। इसके अलावा अब अगर हम और नेक्स्ट पे चले तो अगला हम लिख सकते हैं ब्यूटाइलिन डाइअमीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये सब पूछता नहीं है भैया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, बट लिखवा दे रहा हूँ मैं तो एक एक। ये ब्यूटाइलिन है, अब ब्यूटाइलिन डाइअमीन आ जाए जिससे हम शॉर्टकट में, आप पूरा नाम भी लिखना शॉर्टकट भी लिखना ठीक है ना, तो आपका डाइअमीन का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड हटाकर आप उनकी जगह कौन से ग्रुप डाल दो, NH2 NH2 ठीक है। इसलिए ये एक आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, ये नाइट्रोजन यो नाइट्रोजन दोनों अपना लोन पेयर देंगे, और जब ये लोन पेयर देंगे तो ये बना लेंगे कितने मेंबर्ड की रिंग, आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है ना। और रिंग विंग एक दो बार मैंने बता दी, भले एक आदमी और बनानी हो तो बना लो, तो इस तरह से होता है ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ग्लाइसिनेटो, बाइडेंटेड थोड़े रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ट्राई टेट्रा का तो यूज़ कम हो जाता है, एक एक दो दो एग्जाम्पल हम उनके भी देखेंगे। ग्लाइसिनेटो इज अवर NH2CH2C00-। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं लिगेंड्स के ऊपर है ना, कि ग्लाइसिनेटो में डोनर एटम कौन कौन है, ऐसा भी पूछ सकता है। ब्यूटाइलिन डाइअमीन के दोनों डोनर एटम कौन है आपके, नाइट्रोजन, बट ग्लाइसिनेटो में एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन, तो ऐसे भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल, इसलिए हमें लिगेंड्स याद होना पूरी तरह से जरूरी है ना। तो शॉर्टकट है इसका GLY। अब अगला है एसिटिल एसीटेनेटो, इसका शॉर्टकट होता है ACAC है ना। अब इनमें सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक भी आपको खुद समझ में आते जाना चाहिए, ये वाला जैसे किस तरह का होगा आपका सिमेट्रिक, बट ये वाला अनसिमेट्रिक है ना। एसिटिल एसिटेनेटो CH3C00, कई बार याद रखने में कन्फ्यूजन होता है, इस ग्रुप को ही कौन सा ग्रुप बोला जाता है, एसिटिल, क्योंकि आपको एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होगा, एसिटिल क्लोराइड इस CH3CO Cl, तो Cl हटा दो तो बचा हुआ ग्रुप कौन सा हो गया आपका, एसिटिल है ना, तो दिस इज एसिटिल ग्रुप। अब इसके अलावा आता है सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CO- और क्या आपका CH3। एसिटेनेटो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन CH3CO CH3, तो ये CH3CO CH3 टाइप का है, बस डबल बॉन्ड बन रहा है, एक हमने ओ नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इसके दोनों डोनर एटम कौन से होते हैं आपके, ऑक्सीजन। और अगर ये पूछ ले ये कितने मेंबर रिंग बनाएगा, पहली बात ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, दोनों डोनर आइटम कौन से हैं इसके, ऑक्सीजन, ऐसे सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तीसरा ये कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, तो ये 6 मेंबर की रिंग बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 5 आइटम तो यही दिख गए, और जब ये दोनों डोनेट करेंगे तो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के 6, ठीक है। फिर आठवां बच्चों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शायद आपने नाम सुना होगा DMG है ना, DMG इसके आपका डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ठीक है, DMG इज डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, बता रहा हूँ उसका यूज भी, तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH बनाते वक्त भैया है ना, थोड़ा सा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी लिंक करके बताऊं कि कैसे बना था, तो एसिटिल ये एसिटेनेटो मतलब एसीटोन बता दिया। अब इस कंपाउंड को हम हैं कुछ बोल रहे हो, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और एच और एच, ठीक है, ये बना रहा था, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग ग्लाई ऑक्सल, क्या बुलाते हैं इस कंपाउंड को, ग्लाई ऑक्सल। अब हमारा काम ग्लाई ऑक्सल नहीं है भैया, हमारा कंपाउंड है कौन सा, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, तो अगर एल्डिहाइड कीटोन की आपको प्रॉपर्टी पता हो तो ये अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कंबाइन करते हैं और अपना डबल बॉन्ड ओ अमोनिया डेरिवेटिव्स के 2H लेकर H2O बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर भी वही कहानी है, ये डबल बॉन्ड ओ हट के यहाँ पर आ जाएगा, हमने इसकी रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करा दी, व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH, तो H के N के दोनों O और
इसका डबल बॉन्ड ये क्या हो गया आपका हट गया, तो इस तरह से ये कंपाउंड कहलाता है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीम। ये कंपाउंड कहलाता है क्या? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीम। मैं पूरा बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ, और चूंकि हमने तो डाई मिथाइल क्या लिखा है ग्लाई ऑक्सीम एटो, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो जब वीक बेस होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो इसके दोनों एच उठा लेगा, इसलिए हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? वीक बेस। और वीक बेस के साथ रिएक्शन होकर वो उसका एक एच निकाल देता है। अब ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है डाई मिथाइल के आपका आपका ग्लाई ऑक्सीमेटो। तो दिस इज द फाइनल, है ना। और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है जो जेई में ऑलरेडी आ चुका है। इसका यूज क्या है कि निकिल के टेस्ट में ये आपका यूज होता है। एनआई प्लस टू की प्रॉपर्टी होती है दो डीएमजी, एनआई प्लस टू की प्रॉपर्टी होती है दो डीएमजी, है ना। निकिल के ऊपर प्लस टू चार्ज है, एक ग्लाई डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो के ऊपर कितना चार्ज है आपका? माइनस वन। तो ऑब्वियसली मुझे इसके क्या लेने पड़ेंगे? दो मॉलिक्यूल, और दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे तो एनआई डीएमजी क्या बनता है? होल ट्वाइस। ये जेई एडवांस में पूछा गया है, ये रोजी रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो जो चीज़ें आप लिख रहे हो इनको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकता है कि डीएमजी का यूज़ क्या है। तो डीएमजी का यूज़ है भैया एनआई प्लस टू के आइडेंटिफिकेशन में, जो हमारे सॉल्ट एनालिसिस में कैटायन शामिल होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनआई डीएमजी होल ट्वाइस। लास्ट क्लास में या उससे एक क्लास में मैंने आपसे बोला था कि नॉर्मली सभी कॉम्प्लेक्सेस हमारे सिलेबस में जो शामिल हैं वो वाटर सॉल्युबल है, बट एक इनसॉल्युबल मैंने पहले ही लिखा दिया था निकिल का, ठीक है ना। दूसरा इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये रहा आपका, क्योंकि अगर मैं रोजी रेड प्रेसिपिटेट बोल रहा हूँ तो हमारे सिलेबस में हार्डली बस तीन चार कॉम्प्लेक्स ही हैं जो इनसॉल्युबल है। एक निकिल का था, बता चुका हूँ, थायोसल्फेट के साथ NiEn होल थ्राइस H2O3 प्लस टू था और उसमें थायोसल्फेट मैंने जोड़ दिया। दूसरा कॉम्प्लेक्स ये रहा जो आपका इनसॉल्युबल है क्योंकि आपने इसका प्रेसिपिटेट लिखा है। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है, एक तो इसकी स्ट्रक्चर, इसमें रिंग्स कितनी है। मेन चीज़ पूछ ले कि डीएमजी में डोनर एटम कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो डीएमजी में डोनर एटम ऑक्सीजन है ना, गलत है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो स्ट्रक्चर है भैया एनआई प्लस टू, यहाँ से आया CH3 CH डबल बॉन्ड N CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड क्या आपका N, है ना। आप क्या बोल रहे हो दोनों डोनर एटम O माइनस, डीएमजी के दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन होते हैं। तो दोनों डोनर एटम ऑफ डीएमजी इन कौन से आपके? नाइट्रोजन। ये पहला, इधर से आया दूसरा N N, इसने डोनेट करा, इसने डोनेट करा, डबल बॉन्ड आपका O H नीचे O माइनस, डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो दोनों डोनर एटम डीएमजी के नाइट्रोजन होते हैं क्योंकि उससे जो स्ट्रक्चर बनती है वो हाईली 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 स्टेबल। क्यों हो गई स्टेबल? ऊपर ओ माइनस और एच में डेवलप हो जाता है एच बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका डेवलप हो जाता है एच बॉन्ड। तो एनआई डीएमजी होल ट्वाइस अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है कि दोनों डोनर एटम कौन से हैं? नाइट्रोजन। रिंग पूछे कितनी है भैया रिंग? टोटल चार रिंग है, एक दो तीन और कितनी? चार। आउट ऑफ फोर दो हैं आपकी, है ना, टू आर फाइव मेंबर रिंग, जबकि टू आर कौन से मेंबर रिंग? सिक्स मेंबर रिंग। इस तरह का कोई भी आजकल जो इंटीजर टाइप का पैटर्न चल रहा है जेई का, पूछ सकता है भैया कि नंबर ऑफ फाइव मेंबर रिंग्स इन एनआई डीएमजी होल ट्वाइस आर एक्स, नंबर ऑफ सिक्स मेंबर रिंग्स आर आपका क्या? Y, number of donor atoms of nitrogen are Z, number of X1, number of donor atom oxygen are Y1, X plus Y plus X1 plus Z1, Y1 की वैल्यू बताओ। तो ये आपके सामने ये सिक्स मेंबर रिंग बन रही, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या आपका 6, ठीक है जी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, एनआई प्लस टू के डिटेक्शन में यूज होता है, इसकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों डोनर एटम इसमें नाइट्रोजन होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, दो रिंग हाइड्रोजन बॉन्डेड बनती हैं, दो फाइव मेंबर रिंग है और दो आपकी सिक्स मेंबर रिंग है, ठीक है ना। तो चिलेक्शन की वजह से दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी क्या आपका? स्टेबल।
ठीक है जी। तो चलो, तो मोस्ट कॉमन जितने थे, हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, इथाइलिन देख लूँ, ऑक्सलेट, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, डायमीन, ग्लाइसीमेटो, एसिटिल एसिटिनेटो, DMG, और कोई छूट तो नहीं रहा, बस इतना ही है मेजरली। तो नाइन्थ आप लिखना चाहो तो, हमने पहले भी लिख दिया था कौन सा, कि यहाँ पर एन डाल दूँ अगर मैं और इन दोनों को जोड़ दूँ, इसे क्या बुलाओगे आप, डाई पिरीडीन, तो दिस इज नोन एज डाई पिरीडीन। ये भी कितने मेंबर्ड की रिंग बनाएगा आपकी, डाई पिरीडीन, ये कितने मेंबर रिंग बनाएगा, पांच मेंबर, और दोनों है ना, 1, 2, 3, 4, और पांचवा आएगा यहाँ से क्या आपका मेटल। और अगर वो पूछे क्या दोनों डोनर एटम कौन से हैं आपके, तो नाइट्रोजन है ना। कभी कभी भैया इस तरह का भी ऑर्थो फिनॉन्थ्रोलिन, ये भी एक लिगेंड की तरह आपका यूज होता है। दिस इज है ना ऑर्थो फिनॉन्थ्रोलिन, इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो फिनॉन्थ्रोलिन, ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। ये भी कितने मेंबर की रिंग बनाएगा आपका, पांच मेंबर, और इसके भी दोनों डोनर आइटम कौन से हैं आपके, नाइट्रोजन। तो बाइडेंटेड लिगेंड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, है ना, ठीक है जी। ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, और क्वेश्चन मैंने बता ही दिए भैया कि जब भी आपके पास बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा तो उनमें डोनर एटम आपसे पूछ सकता है, या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन वो बना सकता है। हर क्वेश्चन में लिखा नहीं सकता हूँ, बट बोल के समझा सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये ऑलरेडी जेई में आया हुआ है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर भी हमने बना ली है। तो 10 एटलीस्ट आप अपने बाइडेंटेड लिगेंड को ध्यान रखें, और इनमें भी अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की टिक बोलोगे, DMG मैंने लगा दिया है, ग्लाइसिनेटो आता है, AC बीच में कभी कभी देखने को मिलेगा, इनका वेटेज कम है, तीन वालों का ज़्यादा है जिन पे तीन टिक लगा रहा हूँ। तो तीन टिक आपके एक ऑक्सिलेटो पर हैं और इथाइलिन डाइम, ये तीन सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी में ग्लाइसिनेटो और ACSO यूज़ हो सकता है, और बाकी पांच मैंने ऐसे लिखा दिए कि एटलीस्ट आपके पास 8-10 की लिस्ट रहे, ठीक है ना। इनफैक्ट JEE शीट लाया है कोई, हाँ, तो अब इन्होंने वापस दिया होगा कि नहीं, लास्ट ईयर उन्होंने एक नया कॉम्प्लेक्स, नया लिगेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछ लिया था, मेंस में ही पूछा था शायद उन्होंने, ये हमारा मेंस ही चल रहा ना, तो ये तो 2022 से 2021 वापस इसमें होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर भैया, इन्होंने 45 क्वेश्चन तो गायब कर दिए हैं। नहीं भैया है ना, फिर से गायब है। तो उन्होंने एक लिगेंड, चलो वो भी लिखा दूं, 11वां, उन्होंने डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड बाय यूरेट पूछी थी अभी आपका, है ना। वैसे तो यूज आपका सर कनेक्शन वाला बॉन्ड नहीं बनाया आपने रोजी रेट में, कौन सा कनेक्शन वाला बॉन्ड, अच्छा ठीक ठीक, हाँ, तो बाई यूरेट बच्चों, ये इसमें इन्होंने दिया नहीं है, बट ये शायद आपका JEE या पता नहीं एडवांस का तो नहीं था, एक बार वहाँ चेक कर लो। नहीं है, चलो, तो ये JEE का ही क्वेश्चन था 2021। तो बाई यूरेट क्या होता है, व्हाट इज यूरिया, है ना, बनाना सीखना, व्हाट इज यूरिया, NH2 सी डबल बॉन्ड हो क्या आपका NH2। अब बाई यूरेट से क्या फीलिंग आ रही भैया, यूरिया को हमने दो बार कर दिया, और यूरिया को दो बार करने का मतलब ऑब्वियसली जोड़ोगे भी तो सही, और इस तरह से आप इसे जोड़ दो, तो ये पहला यूरिया है, वो दूसरा यूरिया, तो ये कहलाता है आपका बाई यूरेट, ये कहलाता है कौन सा यूरेट आपका, बाई यूरेट। अब अगर इसमें बोले जाए कि इसकी डेंटिसिटी कितनी है, तीन बना दोगे, अगर मान लो इसने भी दी, इसने भी दी, इसने भी दी, तो ये रिंग आपकी 1 मेंबर 2 मेंबर 3 और 4 मेटल, कितने मेंबर की रिंग बनी, 4 मेंबर, और 4 मेंबर रिंग क्या होती है हमारे लिए, अनस्टेबल, तो इसलिए इसकी डेंटिसिटी 2 है। केवल ये दोनों NH2 C डबल बॉन्ड हो क्या आपका NH
फिर सी डबल बॉन्ड हो, इसलिए मैंने पर्पसली वैसा बनाया भैया, है ना, इसलिए हमने पर्पसली उसको ऐसा बनाया है। चलो वो तो एनएच टू है, उत्तर समझदार हो। तो एक्चुअली ये इस तरह से बनना चाहिए कि ये दोनों नाइट्रोजन अपनी आपका क्या करेंगे, मेटल को अपना लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट, और इसलिए आपका ये बनाएंगे कितने मेंबर रिंग आपकी, 6 मेंबर, और दोनों डोनर एटम इसमें नाइट्रोजन है। तो ये जेई मेन्स का 2021 का क्वेश्चन था। तो इस तरह के भैया जो चीज़ें आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, बायोरेट टेस्ट है आपका, मुझे पूरी उम्मीद है जब मेरा ही आपको कुछ नहीं याद है तो ऑर्गेनिक का भी नहीं याद होगा, बायोरेट करके टेस्ट आता है, तो उन्होंने वहाँ का लिगेंड उठा लिया था। ठीक है जी, चलो आगे लिखो जल्दी से, ट्राई डेंटेट लिगेंड। अब तीसरा ट्राई डेंटेट लिगेंड, ठीक है, ट्राइडेंटेड लिगेंड का मतलब विच कैन डोनेट के आपका 3 लोन पेयर। तो इनके तो बस अब एक एक दो दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। लिगेंड विच कैन डोनेट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड विच कैन डोनेट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब इसका पहला एग्जांपल भैया, अब पहला एग्जांपल तो सबके लिए टेट्रा पेंटा हेक्सा सबके लिए एक ही लिखोगे, NH2 CH2 CH2 NH2, ये क्या था, इथाइलिन डायमिन। अब इसको आप बढ़ाते चले जाओ भैया, ट्राइडेंटेट बनाना है इसको CH2, जो अभी आपको मैंने बायोरेट में समझाया। तो अब भैया ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का एक वेल नोन एग्जाम्पल तो ये है, इस चेन को आप लगातार क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। अब इस कंपाउंड का क्या नाम दोगे आप, इथाइलिन ग्रुप कितने हो गए, 2, इथाइलिन 2 और अमीन 3, तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डाइमिथाइलिन, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डाई मिथाइलिन और ट्राई अमीन है, हाँ ट्राई इथाइलिन, सॉरी सही बोल रहा हूँ, डाई इथाइलिन और ट्राई अमीन, ठीक है जी। तो एक वेल नोन तो भैया कभी एग्जांपल आपसे, वैसे तो सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि भैया एक लिखो ट्राइडेंटेंट का एग्जांपल, बट सपोज करो इनडायरेक्टली नाम आ जाए, जब उसने जेई मेंस में बायोरेट का पूछ लिया था डेंटिसिटी कितनी है, इसकी पूछे भैया डेंटिसिटी कितनी है, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 3, और ये कितने में कितनी रिंग बनाएगा, ये 2 रिंग बनाएगा, 5 कहाँ से बना लेगा भैया, है ना, 2 रिंग बनाएगा और दोनों कितनी होंगी, 5 मेंबर, ठीक है जी। तो इस तरह से भैया मतलब इनडायरेक्टली हम एक कॉन्सेप्ट और बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रिंग जो फॉर्म्ड होंगी वो डेंटिसिटी से एक कम होगी, है ना, ये आपका जो बना रहा है ये 2-5 मेंबर्ड रिंग, इट इज फॉर्मिंग 2-5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और इसीलिए हमारा एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग्स जितनी ज़्यादा बनेंगी मेरा कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, स्टेबल। तो नंबर ऑफ रिंग्स जो बनती हैं वो डेंटिसिटी माइनस क्या, 1, है ना, इसकी डेंटिसिटी आपका 3 थी इसलिए उसने कितनी रिंग बनाई, 1। डीएमजी की देख लो, है ना, डीएमजी के केस में तो एच बॉन्ड है इसलिए वो एक्सेप्शनल केस हो रहा है, बट स्टिल डीएमजी के अगर हम डोनर एटम वाइज देखें तो दोनों डोनर एटम कितने, कौन से हैं, नाइट्रोजन, और ये आपका क्या हो गया भैया, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो रिंग तो कितनी बना रहा है, 1 ही, ये तो पहला मॉलिक्यूल है ना डीएमजी का, दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी 1 ही रिंग बना रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पर मान लो आपसे कभी पूछ ले कि NiEn(+2), याद है भैया इसको तो ध्यान रख लो कहाँ यूज होता है, ये कॉम्प्लेक्स भी बार बार मैंने लिखाया था, अरे थायोसल्फेट वाला ही इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है रे, थायोसल्फेट वाला ही इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, 2 इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बता चुका हूँ। तो इसमें अगर पूछे कितनी रिंग्स हैं, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इंटीजर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है भैया, इसमें अगर पूछे नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है तो क्या जवाब दोगे, 3, 5, 1, 7 जो भी मान लो, 4 ऑप्शन है, तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कितना, 3, इसमें क्यों नहीं ये रूल लगा रहे हो, इससे आपसे तो भैया 3 लिगेंड है, डेंटिसिटी कितनी है, 2, 3 का डबल कितना, 6, माइनस 1 मतलब 5 थी ना, जबकि यहाँ पर रिंग्स पूछेगा तो 3 होंगी, ऐसा क्यों, मैंने इसलिए पर्पसली वो फॉर्मूला लिखा है,
बाद में मालूम पड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो कि सर इस फॉर्मूले से तो 5 रिंग आ रही थी, आपने 3 बनाई, तो ये फॉर्मूला एक लिगेंड के लिए एप्लीकेबल है भैया। यहाँ पर EN आपका, अरे पीछे क्यों जा रहा हूँ, आगे जाओ। EN एक किस तरह का लिगेंड है, बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट है तो वो रिंग कितनी बनाएगा, एक बनाएगा। और ऐसे EN वाले कितने लिगेंड हैं, 3 है, इसलिए टोटल रिंग आपकी 3 बनी। क्या आ रही बात मेरी, बात सभी को समझ में? ये तो भैया थाई खुद किस तरह का लिगेंड है आपका, ट्राइडेंटेड, इसलिए अगर ये एक होगा तो ये कितनी रिंग बनाएगा, 2। आ रही बात समझ में? अब अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स को मान लो निकिल का ही नया बना दूँ, NI, अब इसका डाई मिथाइलिन ट्राईमिन का क्या लिखूँ, शॉर्टकट, क्या लिखूँ, मेरे को भी नहीं पता है इसका।